गुण की महिमा शिखर चढ़े खंडित सभी विकार, ज्ञान मूल शिक्षक सभी मन का हरे विकार। जीवन में खुशियां भरे लीला अपरंपार, ज्ञान मान विज्ञान से गुरु को उन्नत जान। गुरु चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबको जय जिनेन्द्र। मैं मोना बिरला आपके इस पावन सफर की साथी आप सबका भांडापुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिष्ठोत्सव के 90वें दिन दिनांक 13 फरवरी की खबरों से। पुण्य सम्राट श्री के 70वें संयम पर्याय दिवस पर गुणानुवाद, राज दरबार में प्रभु की सगाई एवं मामेरा। श्री भांडापुर महातीर्थ में तत्वत्रयी प्रतिष्ठोत्सव का आयोजन पुण्य सम्राट श्री जयंत सेन सुरेश्वर जी मरासा के पटधर द्वय गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सुरेश्वर जी एवं भांडापुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा आदि विशाल श्रमण श्रमणी वृंद की शुभ निशा में विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के साथ दिनांक 5 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी कुलदीप प्रियदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सुरेश्वर जी महाराज, भांडापुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी महाराज, विमला गच्छाधिपति आचार्य श्री प्रद्युम्न विमल सुरेश्वर जी महाराज, आचार्य श्री नरेंद्र सुरेश्वर जी महाराज आदि विशाल श्रमण श्रमणी वृंद की शुभ निशा में चतुर्विध संघ के साथ भव्य शोभा यात्रा के द्वारा तीर्थ परिसर में निर्मित प्रातः पुण्य सम्राट गुरुदेव श्री के 70वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में मधुकर जीवन दर्शन मंडपम के लाभार्थी श्री रणसुख जयंत सेन कृपा वाटिका पांथेड़ी ने, रत्नत्रयी मंडपम के लाभार्थी शाह रमेश भाई कीर्तिलाल जी देसाई थराद अहमदाबाद एवं साधना स्थली गुफा प्रदर्शनी का उद्घाटन मुमुक्षु भव्या कुमारी अदानी, नीमाबेन देसाई, रवीना कुमार सोलंकी ने किया। यहां से बाजते गाजते क्षत्रिय कुंड नगरी पधारे, जहां पुण्य सम्राट श्री जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज के 70वें संयम पर्याय दिवस पर गुणानुवाद सभा का आयोजन किया गया। गुणानुवाद सभा में गच्छाधिपति श्री ने पुण्य सम्राट श्री के गुणों का वर्णन करते हुए बताया कि वे संसार की माया को छोड़कर संयम मार्ग पर अग्रसर हुए और समग्र संसार में अपने गुरु श्री यतीन्द्र सूरी जी महाराज के आशीर्वाद से जिन शासन के अनेक कार्य संपादित किए, वह समग्र जैन समाज ही नहीं अभी तो इतर जनों में भी पूजनीय थे। आचार्य श्री नरेंद्र सूरी जी महाराज ने कहा कि हमारे जीवन में तीन बातें श्रवण मनन और आचरण आ जाए तो जीवन में चरित्र आ जाएगा और अपना आत्म कल्याण हो जाएगा। पुण्य सम्राट वाणी के जादूगर थे और उनकी वाणी सुनकर आने वाला पानी पानी हो जाता था। कार्य दक्ष मुनिराज श्री आनंद विजय जी महाराज ने गुणानुवाद करते हुए कहा कि गुरु के चरणों को स्वीकार कर उनके भावों और उपदेशों को आत्मसात करें। हमारी गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी कि हम उनके उपदेशों को आगे प्रसारित करें। उनकी गच्छ के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी और हमको उसे गतिशील एवं गतिमान करना है। मुनिराज श्री निपुण रत्न विजय जी महाराज ने कहा कि जो अपने गुरु की महिमा बढ़ाता है उसकी महिमा अपने आप बढ़ जाती है। पुण्य सम्राट के जीवन में यह बात स्पष्ट रूप से मिलती है। मुनिराज श्री जिनागम रत्न विजय जी महाराज ने बताया कि पुण्य सम्राट श्री ने अंतिम समय में इस पुण्य भूमि पर एक ही हिता शिक्षा दी थी, सभी स्वाध्याय करना। उन्होंने स्वयं भी किया और अंतिम समय में यही उपदेश भी दिया। गुरु आज्ञा का पालन करना और गुरु की मान्यता थी, इसलिए पूनम चंद से पुण्य सम्राट बने। मुनि श्री संयम रत्न विजय जी ने काव्य के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। गुणानुवाद के पश्चात पंच कल्याणक महोत्सव के 90वें दिन दिनांक 13 फरवरी 2024 को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठा निमित्त भगवान की सगाई का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सौधर्म इंद्र इंद्राणी ने पुण्य सम्राट श्री को माल्यार्पण एवं वासक्षेप पूजा कर गच्छाधिपति श्री एवं आचार्य देव श्री जयरत्न सूरी जी महाराज का आशीर्वाद लिया।
प्रभु के सास ससुर बनने का लाभ शाह हगीब चंजी हरक चंजी गुलेछा जीवाणा ने एवं मामेरा में मामा मामी बनने का लाभ शाह हंजारी मलजी कुंदन मलजी अनाजी संकलेचा मेंगलवा ने लिया। आज तीर्थ में दर्शन वंदन एवं प्रतिष्ठोत्सव अवलोकन करने जालोर कलेक्टर श्री निशांत जी चेल पधारे। आपका बहुमान राज दरबार में किया गया। श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट श्री तत्वत्रयी प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के द्वारा संपादित होने वाले प्रतिष्ठोत्सव में नव स्मरण का जाप मंगल घर श्री महावीर मंदिर गुरु मंदिर एवं दोनों समाधि मंदिर में प्रतिदिन 3 बार हो रहा है और विभिन्न प्रांतों से पधारे जापकर्ता श्रावक श्राविका आयंबेल एकासना भुसंथारा करने के साथ ही वर्षी तप की तपस्या करते हुए पोषद में कर रहे हैं। अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद परिवार भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। दोपहर में क्रिया मंडप में सुप्रसिद्ध विधिकारक श्री सत्य विजय जी हरण विरल भाई त्रिलोक जी कांकरिया आदि के मंत्रोच्चार के साथ श्री शांतिनाथ पंचकल्याणक पूजा शाह पृथ्वीराज जी दूधमल जी निमाणी पोषाना द्वारा संगीत की मधुर स्वर लहरियों के साथ पढ़ाई गई। प्रातः की नवकारसी शाह कानराज जी फूलचंद जी बंदा मूथा पांथेड़ी की ओर से दोपहर की नवकारसी शाह भभूतमल जी गोमाजी गुलेछा जीवाणा की ओर से एवं साय की नवकारसी शाह सोनमल जी प्रागा जी संकलेचा मैंगलवा की ओर से हुई। साई गजराज पर बैठकर सकल श्री संघ के साथ कुमारपाल महाराजा की आरती करने का लाभ श्रीमती मोहन देवी रिखब चंची छत्रिया बोरा सुराना ने लिया। आयोजन में प्रभावना शाह दिनेश कुमार जी मेघराज जी छत्रिया बोरा सुराना परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नयनाभिराम अंगरचना शाह शांतिलाल मुनीलाल जी संघवी आलासन एवं प्रभु भक्ति और रोशनी शाह कुंदरमन जी भोला जी नाहर सांथु की ओर से की गई। तो ये था आज का विवरण। अब जाने से पहले एक बार नजर 10वें दिन पे होने वाले आयोजनों पर। महोत्सव 10वें दिन दिनांक 14 फरवरी 2024 को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठा नियमित भगवान लग्न प्रसंग आयोजित किया जाएगा। दोपहर में श्री समकित अष्ट प्रहारी पूजा संगीत की मधुर स्वर लहरियों के साथ लाभार्थी परिवार द्वारा पढ़ाई जाएगी। प्रातः की नवकारसी दोपहर की नवकारसी एवं साय की नवकारसी लाभार्थी परिवार की ओर से होगी। आयोजन में लाभार्थी परिवार की ओर से प्रभावना परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नयनाभिराम अंगरचना एवं प्रभु भक्ति और रोशनी भी होगी। जिसने ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से अज्ञान रूपी अंधेरे से अंधी हुई आंखों को खोल दिया उन श्री गुरु को नमस्कार है। तो आज का हमारा सफर यहीं तक। तीर्थोधारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मारासा की प्रेरणा से चल रहे भांडवपुर यूट्यूब चैनल पर एक्मे आईटी सॉल्यूशन जोधपुर के कोऑर्डिनेशन में नापुड़ा स्टूडियो भीनमाल के वीडियो फुटेज के साथ मैं मोना बिरला आज के लिए लेती हूँ आपसे इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा नई उमंग और नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए भांडवपुर यूट्यूब चैनल के साथ और देखना ना भूलिए तीर्थ के लाइव प्रोग्राम। आपका दिन मंगलमय हो। जय जिनेंद्र।